जल जंगल ते जमीन नू बचाउण लई एकत्र होए पंजाब दे जुझारू लोको, सब तो पहला फतेह दी सांझ पाईए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साडी बदकिस्मती इह आ कि असी कदे किसी अयाश मुख्यमंत्री दे पेश पले पै जाने, कदे किसी गप मारन वाले दे पले पै जाने। हुण अज जिहड़ा पंजाब आ एक अखौती इनकलाबी, जिहड़ा मैनूं लगदा कि सब तो माड़ा ते निकम्मा साबित होऊगा पंजाब दी सियासत दे हुण तक दे इतिहास दे अंदर। आपां अज इकट्ठे होए आ गलाडा दे दफ्तर दे अगे लुधियाणे, मत्तेवाड़ा जंगल, मत्तेवाड़ा जंगल नूं लैके मैनूं लगदा कि हर पंजाबी जाणदा होणा कि उस नूं लैके बहुत वड्डे पद्धर ते रौला पिया। पिछली सरकार ने उत्थे टैक्सटाइल पार्क आ जिहड़ा कारखाने इंडस्ट्री लाउण दा फैसला लिया, उत्थे अज जिहड़े मंत्री बने होए ने इन्हां दे चीमे अरगे, एक बीबा माणूके वाली मैं सुन रहा सी कल एक वीडियो, जां खुद भगवंत सिंह मान जिहड़े मुख्यमंत्री बने होए आ उन्हां ने उत्थे जाके उस समय सरकार दा विरोध किया लोकां नाल खड़े कि यह लोकां नाल धक्का है, इत्थे असीं कारखाना नहीं बन देवांगे, 11 महीने रह गए, 10 महीने रह गए, साडी सरकार आ जाण दिओ, सब तो पहला असीं इह प्रोजैक्ट आ जिहड़ा रद्द करांगे। चलो रौला पैंदा, सरकार बनदी है, सरकार बनण तों बाद कट हुंदा, इक कट होण तों बाद पंजाब दे मुख्यमंत्री जिहड़ी इत्थे कमेटी बणी उहनां नूं बुलाउंदे आ, इह कहि के जिहड़ा प्रोजैक्ट आ जिहड़ा कारखाना लाया जाऊगा रद्द कर दित्ता गया। विधानसभा सैशन हुंदा उहदे विच वी बोलदे आ वी भाई रद्द है, पिछलियां सरकारां जंगलां नूं उजाड़ना चाहुंदियां सी, साडी धरती नूं हवावां नूं दूषित करना चाहुंदियां सी, असीं नहीं होण देवांगे। इह 15-20 मिंट पंजाब दा मुख्यमंत्री विधानसभा च बोलदा है, खास जिक्र हुंदा मत्तेवाले दा, इह वी वादा हुंदा वी जिहड़ी जमीन अक्वायर कीती गई है गलाडा वल्लों सरकार वल्लों, उह सिखोवाल पिंड दे लोकां नूं वापस कर दित्ती जाऊगी। अज साल हो गया, एक साल हो गया इस कमेटी नूं मिले नूं, एक साल हो गया पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं विधानसभा दे विच इह मुद्दा उठाए नूं, तां अज एक साल बाद उही लोकां दी जमीन 416 एकड़ दे करीब जमीन है जिहड़ी पिछले 2-3 दिन आपां देखिया, पहलां गलाडा वाले जांदे आ, सरकार जांदी है जेसीबियां लै के ट्रैक्टर लै के उत्थे उहनां लोकां दे, लोक कहिड़े आ जिहड़े बेचारे गरीब दलित लोग है जिहड़े 47 तों उजड़ के इत्थे आए, पिछले 70-72 साल तों इत्थे खेती कर रहे ने, मतलब सारा पिंड ही उह 70-80 घर होणे आ, सारा पिंड ही साढ़े 80 भाईचारे दे लोकां दा, ते उह बेचारे लोग इन्ने साल तों किसे कोल 2 किले है, किसे कोल किला है, किसे कोल 4 किले है, जिहड़े अपनी खेती कर रहे सी उहनां लोकां दे लाए हुए बोर, उन्हां दे इंजन पए सी, बोर सी, किहदे पट्ठे बीजे सी, इन्हां ने लिजा के सारे उह बोर पट्टे इंजन चक लए उत्थों खेतां चों, ते जिहड़ा उन्हां दे तक पट्ठा बीजिया सी उहनूं वाहे। दूजे पासे जिथे आपां उस दिन खड़ के बोले सीगे, जिथे आ मुंडियां वाला इहनां दा MLA आ जिहड़े अखौती इनकलाबियां दा, जिहड़ा 500 एकड़ दे उत्ते कब्जा कराई बैठा है, उह किहड़ी पैली आ जिहड़ी पशु पालन विभाग की पैली आ, जिहड़ी अपनी आलू बीज फार्म वाली पैली आ, उह पैली दे उत्ते कब्जा होया वा धनाड़ लोगों का, उह किहड़े लोग ने जिहड़े इस MLA दे चहेते आ, उह पहलियां सरकारां दे चहेते भी रहे, अज कल उह मुंडियां दे चहेते आ, उह जगदेव आ कूंकलां दा 50-60 किले तो उही दब्बी बैठा है, कोई चेयरमैन है उत्थों दा समराले दा ढिलों ढिलों करके उह दब्बी बैठा 60-70 किले, जाने जो तगड़े धनाड़ बंदे आ, खास बंदे आ इन्हां दे, आम बंदियां दे अज कल इह आम कहाउंदे आ ना, आम आदमी पार्टी कहिंदा सी ना 1 रुपया नहीं खाऊंगा ना खाण देऊंगा, आ देखिया हुण ब्याह दी वरेगंढ दे उत्ते बीबा नचदी
3 करोड़ 20 लाख की कहते आ मुंदरी पाई हुई है। हाँ पता नहीं मैं लाने भी नहीं आता सैंडल ही पता नहीं बहुत कोई महंगी कंपनी के कहने पाए हुए बीबा दे आम लोगों के चहेते ने जी इन्होंने आम आम कह के हमेशा स्टेज से खड़ के किल किल बोलता हों के ना रुपया खावे ना खान देवे असि आम लोग हैं साडिया सरकार चलनगिया सत्था च चलनगिया हूं सरकार कितों चल दया आप देख रहे हैं। तो इस करके भरावो मसला बड़ा गंभीर है। वह 500 एकड़ पैली उवें ही है अज भी उत्थे मक्की बीजी हुई है उन्हां लोकां दी ओह नहीं छड़ाई गई कोई मक्की नहीं बाही गई जिहड़े गरीब बेचारे लोग सीगे उन्हां लोकां दे जाके समान पट लै दे कक्ख पट्ठा बाहिया है। एक पासे इह अखौती जिहड़ा ड्रामेबाज मुख्यमंत्री बनिया ये एक पासे डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब की फोटो लाई हुई है एक पासे शहीद भगत सिंह की फोटो आ कि मैं सब तो वड्डा हतैशी हाँ गरीब लोगों का दब्बे कुचले लोगों का उही बेचारे दब्बे कुचले लोग ने एससी भाईचारे के दलित भाईचारे के जेडे बेचारे माड़ा मोटा उत्थे इन्हां दा उसे जमीन के उत्ते चुल्हा चलता सी उही जमीन इन्होंने खोण की तैयारी कर ली है। दूजे पासे ड्रामा आप सारे देख रहे हैं सरपंच है जी पिंड की ना रली हुई है वो पहली सरकार वेले भी नाल सी उदों भी वह पता नहीं लै रहे करके कोई उन्हें जाके उत्थे डीसी ने दस्तखत करे ही जाके हुण उन्हें की किया जिहड़ा 70 करोड़ रुपया खाते च आया पंचायत के वह मोड़ना वापस गलाटा नूं सरकार नूं ते जमीना उहदे विचों उन्हें पैसे जिहड़े पिंड दे विच कहिंदे 3-3.5 करोड़ का 4 करोड़ का पैलेस बनाउणा शुरू करता। कारण की है चाल है सरकार की गलाडा की भी किसी भी तरीके ने पैसे खर्चा दो इन्हों को पैसे वास करने जोगे रहने नहीं आप कहे पैसे वास दो जमीन ले लो आप जमीन छड़नी नहीं। सो यह गल पहला मैं तो बोलना कि मसला कला मत्ते वाले का नहीं है मसला जीरे का नहीं है ये मसला पंजाब की होंद का चार छपेरो हमले पंजाब की होंद से हो रहे हैं। इन्होंने कली पंचायती जमीन नहीं भी कली पंचायती जमीन ते आखा सरकार की लखा एकड़ पैली है जमीना ने पंजाब दे विच पंगा जिहड़ियां वख वख अदारियां दियां पंचायतां दियां ते होर है उन्हां ते आखा हुण तुसीं देखो इन्हां ने जिहड़ियां शहरां दे अंदर मंडियां ने बेचनियां शुरू कर देनियां क्यों मंडी बाहर ले जावांगे जी शहर च भीड़ भड़का बहुत है उत्थे वड्डियां वड्डियां मार्केटां बना देनियां ने मॉल बना देने महंगे भाव बेच के बाहर कोई पंचायती जमीन पई हो उत्थे मंडी रख देणगे जिवें पहलियां सरकारां ने कीता बादलां वेले की होया उन्हां ने अंदरों महंगे भाव दियां जेलां बेचतियां जिन्नियां शहरां दे विच वड्डियां जेलां सी जां कोई जिन्नी सरकारी जायदाद पैसे बेचती बाहर जाके पंचायती जमीन चो जेलां जां होर जिहड़ा सीगी जगह उह बणाती यही काम इन्हों का लखा एकड़ पैली दे आखा सरकार दी भी ये बेच के कारपोरेटां नूं ते अभी पंजाब चला गए क्योंकि पंजाब तुहानूं पता भी हालात पंजाब दे इन्ने माड़े आ 50 लाख करोड़ का कर्जा 50,000 करोड़ का कर्जा तू पहला चक चुके इन्ना 15-16 महीनों के विच ते डंग टपा रहे हैं एक पासे कहना खजाना पूरा भरिया होया दूजे पासे आपां देखिया मंगियां मक्कियां ते मूंगियां दे MSP मिल सीधी बिजाई झोने की हुई उन्होंने पैसे मिल गए आ मुआवजे मिल गए जिहड़ियां फसलां नुकसानियां गईयां सी कणकां गड़ियां दे विच कोई दुखी नहीं मिली किसी नूं किसी पिंड दे विच 5-4 घरां नूं पैसे आ गए किसी 10 घरां नूं आ गए होणे बस आही इह डंग पाई जांदे आ असले गल्लां दा कड़ाह बना बना जाई जांदा है साडे लोकां नूं आदत भी पई हुई है कि गल्लां दे उत्ते असीं खुश होण वाले लोक आ चुटकले सुना सुना कहानियां सुना सुना विरोधियां दे तंज कसी जांदा है उहनां नूं हाले भी इहनूं ऐ लगदा है जिवें इह विरोधी धिर च बैठा हुंदा ये समझ ही नहीं दिया भी मैं मुख्यमंत्री हाँ भाई अभी जवाबदेही तेरी है बादलों की जां किसी कांग्रेसियों की नहीं आ जवाबदेह तू बनदा। सो मैं अपील यह करूंगा कि मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि आप सारे इस गल समझते हैं कि जिन्ने बड़े हाईवे निकल रहे हैं लांघा खुलना पाकिस्तान के राही व्यापार अगे पूरे एशिया पूरे यूरोप तक होना हब बनना पंजाब ने सेंटर बन जाना पंजाब ने इस व्यापार का धुरा जिहड़ा पंजाब होगा। सो इस करके जे आप अपनी जमीना बहुता नहीं मैं कहना 7-8 साल भी बचा के रख के तो तुम देखोगे कि इस पंजाब की कीमत की हूँ जो साडे लोग आ जो हाईवे निकलते सड़क निकल दया ने मेरे पिंड में दो सड़क बड़िया निकलिया 15-15 फुट उच्चिया गल करके गया पहला मैं तो एक बुलारा
एक मेरे पिंड के परले पासे दी है, कोले पासे दी है। हुण जिद्दे माड़ा जिहा कोई मीह आ गया कोई निकास नहीं, सारा पिंड डुब के मरूगा। ते लोक हत्था जाए फिरदे हुंदे आ, सानू 50 लाख रुपया दिंदे आ किले दा, साडी जमीन भी लो, साडी जमीन विधि सड़क डेढ़ बिंग करके लगा दिओ। आप कहानी नहीं समझ रहे, अवानिया अडानिया ने बड़े कारपोरेटा ने अपना पैसा कारखाने चो कढ के जमीना लेनिया शुरू कर दिया, अपने उल्ट हो गया काम। आप जमीना बेच बेच कनेडा च घर ले जाने हैं। तो मैं अपील करता कि मेरा वीर जे कोशिश करो, असी हाथ घुट के अपना खर्चा खुर्चा चला लो, घर बार चला लो, अपनी जमीना ना बेचो। तुम देखोगे जेडे अज असि कहने हैं कि साडा कोई 20 लाख नू, कोई 40 लाख नू किला ले लो, कोई महंगे थां साडा 50-60 लाख नू किला ले लो, इत्थे तां मिलना 50-60 करोड़ नू किला नहीं मिलना, हालात ये बनने। पर अज सानू समझ नहीं पै रही, मैं पंजाब पिंड ढुडी के पिंड जिला मोगा, उत्थे मैनू मुंडिया ने दस्सिया कहिंदे भाई साडे पिंड दी 400-500 एकड़ पैली इदू पहलां बिक चुकी आ, नाल चूड़चक पिंड है, चूड़चक पिंड दी पैली भी इनू ही बिक चुकी है, 500-600 एकड़ के करीब जिहड़ी बिक चुकी है। वह कहना भाई साडे लुधियाणे तो बंदे आउंदे आ, वड्डियां गड्डियां होंदियां ने, सरदार बंदे होंदे आ, अमर छके होंदे आ, जमीन की साडे नाल गलबात लैण देण दी उह करदे आ, पर उहदे मगर खरीद कोई होर रहा। यह गल समझ की लड़ है भी वह कौन बंदे ने जिहड़ियां साडे नाल 400-500 इत्थे मेरे पिंडां च भी आए सी, वह कह रहे जे सानू कोई 400-500-100 किला कट्ठा दवा दिओ, साडे लोग तैयार हो जाते हैं। वो जे तुसीं 50 लाख भी मंगोगे, मतलब 60 लाख भी देण नूं तैयार, चक्के 60 लाख रुपए जमीन दे, क्योंकि आने वाला समा आपां सारे समझदार हाँ, रोज आपां गल्लां सुणदे हां, आने वाला समा ओही लोग जांदे रहणगे, ओही धरती खुशहाल रहूगी, ओही लोकां कोले वसीले होने आ जिन्हां कोले जमीन आ ते जिन्हां कोले पानी आ, साडे कोले दोने ने। हुण आ पानी दी मार है इत्थे जी, मैं तुसी गल कीती कि जिहड़ियां नहरां बंद ने, मैं कल हरी के पत्तण तों आया, मैं अमृतसर गया सी, उधरों आउंदा होया रुकिया, रास्तां वाली नहर बंद है, जो पानी सानू मार रहा है अज राजस्थान को हर का नुकसान हो रहा है जी, कोई दिल्ली नू हो रहा, अज हर का नुकसान झलदा पंजाब, जो पानी मंगना है दे दो राजस्थान 18,500 क्यूसक दे दो दिल्ली नू पानी। आही साडा खोती मुख्यमंत्री इनकलाबी जिहड़ा योधा बनया होया अपने आप नू, यही जाके उत्थे बठिंडे दे विच बैठ के राजस्थान के एमपी के नाल समझौता करता है, 1250 क्यूसक पानी पंजाब का सरहद राही राजस्थान नू होर दिता जाता, जाने उदो पानी देण नू इह तगड़े ने, पर अज जे नुकसान पंजाब झलदा है तां फिर हक भी पंजाब दा इस पानी दे उत्ते कि उहने किवें वरतना पाणी। सो अज जिहड़े इत्थे गल्लां करदे ने, मैं बिल्कुल, मैनू भी एक दो दे फोन आए कि भाई तू नहरां रला पाउंदा सी, तू कहिंदा सी नहरां असीं जान नहीं देणियां, साडा पानी असीं जान नहीं देना, मोड़ के लिआउणा है, आ हुण पानी सांभ ला। ओही गल पानी दे नुकसान हो रहे आ, क्योंकि आपां देखदे आ वी जिवें आपां जमीनां मंड करतीआं थल्लों, वाह वाह ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ 5-5, 7-7 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ, ਝੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਹੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਬ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਆ 4 ਸਪਿਰੋ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾ ਤੇ, ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਰਾਵੋ ਇਕੱਲੇ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਜੰਗਲ ਵਾਲਾ ਪੈਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਘਿਰ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੂਲੀਆਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਵੜੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਦਿਓ
भी अगला सत्ता जिम्मे पहला चुप बुलारे ने कहा कि साडा क्या बनना चाहिए। वैसे अपनी जी कमेटी बनी है यह अपना फैसला करूगी इन्होंने की करना है, पर मैं सुझाव दूंगा कि आने वाला जो बड़ा इकट्ठ है उस पिंड च रखो, उस पिंड च रख के उही जमीन का कब्जा जिहड़ा जाए तो ना जिहड़ा पहला कब्जा है जिहड़ा 500 एकड़ के उत्ते जिहड़े धनहार लोग करी बैठे एस एम एल दे जिहड़े बहुत चहेते करी बैठे आ उन्हां तों छुड़ा के वह भावे गलाडा आले नाल जाण सरकार नाल जावे, मैं कहना उत्थे गलाडा भी ना जावे, उत्थे जिहड़ा पशु पालन विभाग है जिहड़ा दूजा अपना हैगा आलू बीज फार्म वाले है वह उत्थे जाण, क्योंकि असल मालकी उन्हां दी बनदी है। यह गलाडा नूं पहली उन्हां नूं देनी चाहीदी है ता कि जिवें मैं इत्थे पहला सुनिया वी पहला उत्थे सारा जिहड़ा बीज फार्म सीगा बणिया होया उत्थे वी जिहड़ी खोजां हुंदियां सीगियां बीजां दीआं ते उत्थे पशु भी रखे होए सीगे। सो इस करके आप अगला प्रोग्रामे दे के लोगों सारिया जथेबंदियों कट्ठे करके भरावो कला मत्तेवाड़े नाल साडा कली जमीन नाल नहीं जुड़िया होया मसला साडे मसला है, क्योंकि साडे कोल इक्को इक इतिहासक जंगल बचे है, बाकी सारे जंगल ने तबाह करते बर्बाद करते। सो इस जंगल नूं बचाउण लई इतिहासक धरती नूं बचाउण लई हर पंजाबी नूं लड़ना चाहीदा है। आओ आपां इकट्ठे हो के अगला प्रोग्राम दे के इत्थों अगला कट करके आजाब ने सरकार गलाडा दे दे भी भाई ये तो इना सौखा नहीं है जिम्मे जाके उजेसवियां लेके लोगों के इंजन में पट लिया है, इना सौखा नहीं। अगला पंगा लोगों पैना वाह लोगों पैना, लोग जिन्ना छेती जागणगे इस गल नूं समझणगे अपनियां जमीनां अपने पानी नूं बचा लैणगे उन्हां आउण वालियां नस्लां लई फायदा होगा बेहतर होगा। सारी संगत का कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा।